नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं कुमार कश्यप। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा दर्शन यही है। कहने को तो हम लड़कियों के लिए यही भावना रखते हैं। यह सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में महिला को सम्माननीय और पूजनीय माना गया है। लेकिन फिर भी महिलाओं की हालत बद से बदतर है। ताजा मामला बरेली से सामने आया है, जो बेहद ही शर्मनाक है। यहां पर एक महिला को पहले तो उसके पति ने तलाक दे दिया, फिर शरिया का हवाला देकर अपने ही पिता यानी कि ससुर से उसका हलाला कराया और फिर इद्दत के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, जो शरिया के खिलाफ है। इन सब की वजह से वो गर्भवती भी हो गई। जब इद्दत का वक्त पूरा हुआ तो पति को शक हुआ कि यह बच्चा उसका नहीं है, इसलिए फिर उसने पति को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अब महिला अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल 30 दिसंबर 2015 को महिला की शादी संभल के रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर से हुई थी। पति महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा तो महिला मायके चली गई। इस दौरान पति ने उसे फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। इसके बाद दोबारा साथ रहने के नाम पर महिला का 24 दिसंबर 2016 को हलाला कराया गया। हलाला किसी और के साथ नहीं, बल्कि पति ने अपने ही पिता यानी कि लड़की के ससुर के साथ कराया। शरिया के मुताबिक हलाला वो प्रथा है जिसमें महिला को तलाक के बाद अपने पति के साथ दोबारा रहने से पहले किसी भी मर्द से शादी करके उसके साथ एक रात गुजारनी पड़ती है। महिला पहले इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन मौलानाओं के समझाने के बाद वो राजी हुई। एक रात साथ रहने के बाद ससुर ने महिला को तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला इद्दत का वक्त पूरा करने लगी। शरिया के मुताबिक इद्दत वो वक्त होता है जिसमें महिला को 3 महीने 10 दिन किसी भी गैर मर्द के सामने आने की इजाजत नहीं होती है। उसे उस शख्स से भी दूर रहना होता है जिसने उसे तलाक दिया। इस इद्दत के दौरान भी महिला के पति ने उससे शारीरिक संबंध बनाए। इद्दत का वक्त पूरा होने पर 5 अप्रैल 2017 को महिला की शादी फिर से अपने पहले पति से हुई। असली मुसीबत इसके बाद ही शुरू हुई। महिला को पता लगा कि वो गर्भवती है। इसकी जानकारी उसने अपने पति को दी। पति को शक होने लगा कि यह बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके पिता का है, इसलिए उसने महिला पर गर्भपात का दबाव बनाया और मारपीट की। महिला ने मना किया तो उसको घर में कैद रखा और उसका खाना पीना भी बंद कर दिया। जैसे तैसे महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शौहर को थाने बुलाया। थाने में शौहर ने महिला को साथ रखने की बात की, लेकिन वो थाने से निकलते ही इस बात से मुकर गया। वो ना तो पत्नी को साथ रख रहा है और ना ही बच्चे को। अब महिला ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी की एनजीओ में इसकी शिकायत की, जिसने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। घटना बेहद शर्मनाक है और सोचने वाली भी कि हम किस वक्त में जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हलाला और 3 तलाक का समर्थन करने वालों को इस लड़की के दर्द को जरूर सुनना चाहिए। हलाला और बहुविवाह पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।